हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू अन अकेडेमी लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन दिस सेशन इज प्रेजेंटेड बाय मी राधा मोहन आई एम एलुमिनस ऑफ आई आई बॉम्बे आई हैव मोर देन टेन इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इन कॉर्पोरेट सेक्टर पब्लिक सर्विस टीचिंग एंड गाइडिंग सिविल सर्विस एक्सपीरियंस आई एम हियर टू शेयर माई नॉलेज एंड एक्सपीरियंस विथ यू सो लेट्स लर्न एंड ग्रो टूगेदर हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू टूडमी होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू लेट्स स्टार्ट विदाउट डिले So today we we'll, uh, will it would be our lecture nine. Uh, sorry, this would be lecture nine in our geography made simple series. Today we will uh, discuss chapter three in our class uh, seven NCRT, uh, Many of you you are demanding to speak me in English, so I will uh, put uh, both in English and Hindi, and I will go fast. And today we will learn a very important topic from examination point of view, and uh, it would be interesting also and a conceptual topic. सो प्लीज़ बी विथ मी इन ए फोकस्ड वे सो दैट वी अंडरस्टैंड इट इन ए बेटर वे विच विल हेल्प अस टू डू बेटर इन यअर एक्जामिनेशन सो लेट्स स्टार्ट टुडेज सेशन बिफोर गोइंग फर्दर एज आई ऑलवेज शो यू द सिलबस सिलबस में वर्ल्ड जियोग्राफी है टुडेज टॉपिक इज मोर रिलेटेड टू अवर आ चेंजिंग अर्थ इज़ रिलेटेड टू फिजिकल जियोग्राफी वर्ल्ड जियोग्राफी फिजिकल एंड मैन एग्जामिनेशन वर्ल्ड फिजिकल ज्योग्रफी इज ऑलवेज दियर सेलियंट फीचर्स एंड की जियोगजिकल फेनोमेना इन दैट टुडे वील डिस्कस आर्थ क्वेक्स बॉल्कैनिक एक्टिविटी ऑल्सो एंड सो इट इज वेरी रिलेवेंट टू आवर एग्जामिनेशन सो लेट्स स्टार्ट टुडे इन आवर लास्ट सेशन वी डिस्कस्ड अबाउट आर्थ इंटीरियर एज वेल एज रॉक सिस्टम एंड एनवॉरोमेंट एंड इको वी डिस्कस इन लास्ट लेक्चर जो पिछले लेक्चर में हमने आर्थ के अंदर क्या है एंड वेरियस रॉक टाइप्स एंड उसका यूज़ क्या है एंड एनवायरमेंट एंड इकोसिस्टम के बारे में बात किए थे और वी विल डिस्कस आई हैव कैप्ट दिस स्लाइड टू ब्रीफ यू अबाउट इंटीरियर ऑफ द आर्थ एज यू विल डिस्कस टुडे मोस्टली रिलेटेड टू द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ द अर्थ सो आई है दिस स्लाइड फॉर यू देखिए जो अर्थ है अर्थ दिस इज द अर्थ आवर स्पीयर अर्थ यू नो ऑल ऑफ यू नो सो दिस इज द अपर सरफेस इज क्रस्ड व्हिच इंक्लूड्स बोथ ऑशियनिक बेसिन एज वेल एज कॉन्टिनेंटल क्रस्ट सो क्रस्ट इंक्लूड्स बोथ ओशियन बेसिन एज आई हेड श्रोड यू ओशियन बेसिन एंड कॉन्टिनेंटल कॉन्टिनेंटल क्रस्ट एज वेल एज ओशियन बेसिन इट इंक्लूड्स अपर मेंटल उसके नीचे क्या है अपर मेंटल है उसके नीचे क्या है लोअर मेंटल है ये मेंटल जो है सेमी लिक्विफाइड मैनर में है सेमी सॉलिडिफाइड मैनर आउटर कोर लिक्विड है एंड इनर कोर जो है सॉलिड है इनर कोर इज सॉलिड नाउ क्वेश्चन में कम हाई इनर कोर इज सॉलिड हैवेवर आउटर कोर इज लिक्विफाइड स्टेट द इनर कोर जो है देखिए जब व्हेन प्रेशर इंक्रीजेस एज इन प्रेशर कुकर यू मस्ट बी नोइंग दिस इज लिटिल बिट साइंस सो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड जब प्रेशर हुए प्रेशर इंक्रीजेस द बॉयलिंग पॉइंट ऑफ द वाटर और लिक्विड ऑल्सो इंक्रीजेस टेम्परेचर इंक्रीजेस बॉइलिंग टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट जैसे वाटर uh, का नॉर्मल वन एटमोसफियर प्रेशर में वन एटमोस्फियर प्रेशर में हमारा वाटर का बॉयलिंग uh, पॉइंट कितना है हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड ठीक इन सिमिलर वे इफ दिस वुड बी टू एटमोस्फीयर दिस टेम्परेचर विल अराउंड भी 150 फिफ्टी डिग्री सेंटीग्रेड तो ये जो प्रेशर कुकर में हमारा क्या होता है जो प्रेशर ज़्यादा बढ़ जाता है अंदर सो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर बिकम्स बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इंक्रीज सो इट इज बेटर टू कुक द फूड इन इजी मतलब अर्लियर तो बहुत कम टाइम में हमारा कुक फूड कुक हो जाता है प्रेशर कुकर में बिकॉज बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज सिमिलर सेंस इन सिमिलर सेंस जो कोर है इनर कोर में एज देयर इज़ टू मच लोड अपन इनर कोर देयर इज टू मच ह्यूज प्रेशर ऑवर हीयर ह्यूज प्रेशर तो वैन देयर इज ह्यूज प्रेशर दी मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस मेटल वट एवर दे आर दैट वी हैड डिस्कस्ड दैट निकेल एंड फेरस मेटेरियल इज दे आर निफे नाइफ भी बोलते हैं इसको जो इनर कोर का मेटेरियल कंपोजिशन होता है नाइफ निकेल एंड फेरस तो दैट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ दिस से मेटल इंक्रीजेस

इसको मैग्मा भी बोलते हैं हम क्या बोलते हैं मैग्मा ठीक है तो हमारा जो इनर इसका क्रॉस्ट है क्रॉस्ट के बाद अपर मेंटल उसके बाद लोअर मेंटल उसके बाद आउटर कोर एंड देन इनर कोर लिथोस्फीयर किसको कहेंगे लिथोस्फीयर भी कहते हैं लिथोस्फीयर ये जो क्रॉस्ट है लिथो, आ, एंड अपर सरफेस ऑफ दी अपर मेंटल अपर मेंटल का जो अपर सरफेस है अपर मेंटल का जो अपर सरफेस है जस्ट अपर लेयर ऑफ दी अपर मेंटल दिस बोथ इंक्लूड्स लिथोस्पियर ये लिथोस्पियर है लिथोस्पियर लिथोस्पियर क्या है क्रस्ट प्लस अपर पार्ट ऑफ दी पार्ट ऑफ दी अपर मेंटल अपर मेंटल का अपर पार्ट है ठीक है ये लिथोस्पियर हो गया तो ये इसमें हमें क्या uh, सीखने मिला द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली वन परसेंट ऑफ दी वॉल्यूम ऑफ द अर्थ ये जो क्रस्ट है ओनली वन परसेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ द अर्थ एट्टी परसेंट एट्टी फोर परसेंट द मेंटल एंड फिफ्टीन परसेंट मैक्स दी कोर सो सबसे ज्यादा कंपोजिशन किसका है व्हाट कॉन्स्टिट्यूट द हाइस्ट परसेंटेज इन आवर अर्थ दैट इज एटी फोर परसेंट इज मेंटल ये जो आपका अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल कॉन्स्टिट्यूट एट्टी फोर परसेंट ऑफ आवर इनर कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ द अर्थ एंड बाकी रहा फिफ्टीन परसेंट इज इक्वर, सबसे कम जो है वन परसेंट इज क्रॉस्ट. सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड तो आवर चेंजिंग अर्थ चेंजिंग अर्थ में क्या है तो इसमें देखिए द लिथोस्पियर इज ब्रोकन इन टू ए नंबर ऑफ प्लेट्स नॉन एज लिथोस्पियरिक प्लेट्स जैसे लिथोस्पियर बताया आपको लिथोसप्योर जो है क्रस्ट एंड अपर पार्ट ऑफ द अपर मेंटल सो so, लिथोसप्योर ये जो लिथोस्प्योर है आ, आप देख रहे हो वो कैसे ब्रोकन है ये देखिए ये ये लिथोस्पियर का स्लाब है ये सब ब्रोकन है ये ऐसा नहीं है कि पूरा आर्थ के ऊपर जो आर्थ देख रहे हो आप ये पूरा एक एक सिंगल पीस नहीं है ये सारे जगह ब्रोकन है ये जो लिथोस्पियर है ब्रोकन है ठीक है इसको हम लिथोस्प्योरिक प्लेट्स बोलते हैं दीज प्लेट्स मूव अराउंड वेरी स्लोली ये जो प्लेट है हमेशा इन कॉन्स्टंट मूव दे आर इन ऑलवेज कॉन्स्टेंट मूव जस्ट ए फ्यू मिलीमीटर ईच ईयर दिस इज बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द मोल्टन मागमा इन साइड द आर्थ ये क्यों मूव हो रहा है बिकॉज ऑफ द मोल्टन मागमा इज मूविंग इन साइड द आर्थ कैसे ये जो देखिए हम देखें लिथोस्प्यर प्लेट ये हो गया टॉप टॉप सर्फेस ऑफ आवर आर्थ दैट इज क्रॉस्ड एंड अपर सरफेस ऑफ द अपरमेंटल अपर सरफेस ऑफ द अपर मेंटल ये जो उसके बाद रहा मेंटल ये मेंटल जो है हमेशा इन कॉन्स्टेंट मूवमेंट क्यों कॉन्स्टेंट मूवमेंट है जैसे आप वाटर बॉयल करते हैं वाटर जब बॉयल करते हैं जब गर्म होता है तो ये गर्म पानी ऊपर आता है फिर ठंडा पानी नीचे जाता है है कि नहीं इसको कन्वेक्शन एक्टिविटी कहते हैं हम आप साइंस में बेसिक साइंस में पढ़े होंगे स्कूल में तो दैट कन्वेक्शन एक्टिविटी एज दिस मेंटली इज ऑल्सो इन लिक्विफाइड स्टेट सो कन्वेक्शन एक्टिविटी ऑल्सो हैपेंस इन मेंटल जो कोर के साथ होके जो बिकॉज ऑफ हाई टेम्परेचर मैग्मा राइजेस एंड इट गोज टू टॉप लेवल देन इट कूल्स डाउन देन इट फॉल्स बैक ठीक है तो ये जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है ये जो मैग्मा का मूवमेंट हो रहा है दिस मैग्मा हेल्प्स टू मूव दिस लिथोस्पियरिक प्लेट ये जो लिथोस्पियरिक प्लेट है दिस लिथोस्पियर इज लाइक फ्लोटिंग ये लिथोस्पियर हो गया आपका इसके नीचे क्या रहा माग्मा है ना माग्मा लिक्विफाइड मागमा अर्थ के अंदर ये लिक्विफाइड के मागमा के अंदर ये ऊपर ये, ये हमारा लिथोस्पियरिक प्लेट इज फ्लोटिंग ओवर दी माग्मा लिथोस्पियरिक प्लेट इज फ्लोटिंग ओवर दी माग्मा जब ये मागमा मूव हो रहा है जब ये मागमा वेन इट इज़ राइजिंग ड्यू टू कन्वेक्शन एंड इट इज़ मूविंग लाइक दिस डायरेक्शन तो ये जो प्लेट है इसको भी इसके साथ खींचेगा ना इसके साथ भी खींचेगा ये अगर इसके अंदर मूव हो रहा है तो दैट विल ऑल्सो पूल दिस प्लेट बिकॉज इट इज़ फ्लोटिंग ओवर दि माग्मा सो इट विल पूल सो वेन इट विल पुल दैट लिथोस्फ्यर इज স্ল' মূিং এণ্ড মিলিমিটৰ অটিমিটৰ ডিপেণ্ডিং অপন দি স্পীড অফ দি মোভমেণ্ট অফ দি মাৰ্গ্মা অণ্ডৰষ্টুড ইফ দে ইজ এনি ডাউট কিপ ইন আকিং আই বিল এন ইউ এনি এনি ডাউট কেন অ'কে চ' द मोल्टन मार्गमा इन साइड द अर्थ मूव्स इन ए सर्कुलर मैनर कौन सी वे में दैट मार्मा इज मूविंग सर्कुलर मैनर दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स सो यू प्लीज अंडरस्टैंड ऑल दीज थिंग्स ओके कन्वेक्शन करेंट आर यू अंडरस्टैंडिंग कुल लिव आई एम फ्रॉम ओडिशा मोहित आई एम फ्रॉम ओडिशा ओके सर्कुलर मैनर द मूवमेंट ऑफ दिसज प्लेट कजेस चेंजेस ऑन दर्फेस ऑफ द आर्थ

देन इट इज कॉल्ड एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस ये जो मागमा का मूवमेंट हो रहा है दिस इज एंडोजेनिक ये देखिए प्लेट कैसे मूव हो रहा है दिस इज मेंटल कन्वेक्शन मेंटली इज राइजिंग मेंटली इज राइजिंग हियर मेंटल कन्वेक्शन हो रहा है वेन मेंटली इज कन्वेक्शन मेंटली इज राइजिंग देन अगेन आफ्टर रीचिंग द सर्फेस अबर दॉप सर्फेस इट इज फॉलोइंग अगेन

ये कॉन्टिनेंट्स देखिए ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट्स है ये इसका प्लेट है ये लिथोस्पियरिक प्लेट आई हैव शोन यू दिस इज प्लेट ऑफ नॉर्थ अमेरिका दिस इज पैसिफिक प्लेट दिस इज साउथ अमेरिकन प्लेट ये जो है साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट ये साउथ अमेरिकन प्लेट ये जो लिथोसपियर है ये डिवाइड uh, हुआ है लिथोस्पियरिक प्लेट फ्लाप्स में तो ये जो uh, ये भी यूरेशियन प्लेट है यूरेशियन प्लेट हियर इट इज इंड इंडियन प्लेट इंडियन प्लेट

डायस्ट्रोपिक्लोसेस फोर्सेस मतलब जो स्लो slow, स्लोली uh, काम कर रहा है जो बिल्डिंग माउंटेन्स स्लोली काम कर रहा है कौन सा ये जो आप देखें स्लोली दीज प्लेट्स आर मूविंग सो दीज आर कॉल्ड डायस्ट्रोपिक फोर्सेस वट एवर इज हैपनिंग स्लोली दैट इज डायस्ट्रोपिक डायस्ट्रोपिक फोर्सेस डायस्ट्रोपिक क्या है स्लोली मूवमेंट कर रहा है स्लोली दिस कॉन्टिनेंट्स आर मूविंग दैट आवर हिमालय इज राइजिंग एवरी डे बिकॉज this india plate is colliding with eurasian plate this eurasian plate this indian plate you can see that it is moving in the moving in the um, northeast direction so this indian plate is colliding with this eurasian plate so our himalayas in this region and it is rising every day uh, as indian plate is moving uh, in northeast direction so হিমালয় ইস রাইভরিডে দিস ইজ এ স্লো মূমেন্ট সো ইট ইস কল্ড ডায়েস্ট্রোপিক মূমেন্ট ওকে ডায়েস্ট্রোপিক ফোর ইজ কজিং বিল্ডিং মাউন্টেন্স হ্যার সডন ফোরসেস ইস কজিং হার্ক হার্থ সডন বোলকানো সডন ল্যান্ডস্লাড সডন হোক সো অ্যান্ডোজেন ফোর্স এন্ডোজেনিক ফোর্সেস মিন্স দট ফোরস ই কমিং ফ্রোম ইনসাইড জেসে টম দেখে অ্যান্ডোজেনিক্ডা ওরিজিনস ইনসাইড একজো মিন্স আউটসাইড द आउटसाइड एंडो से एंडोजेनिक ओरिजिन क्या है इनसाइड से है सो इट इज एंडोजेनिक फोर्सेस, ऑल फोर्सेस व्हाट एवर कमिंग फ्रॉम इन ऑफ द कोर ऑफ द आर्थ इट इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस ठीक है तो एंडोजेनिक फोर्सेस तो एक्जोजेनिक फोर्सेस क्या है व्हाट एवर एक्टिंग आउटसाइड द सर्फेस इरोजनल एंड डिपोजनल डिपोजिशनल एजेंट्स लाइक रिवर विंड सीयूएफ एंड ग्लेशियर दे आर ऑल्सो फोर्सेस बिकॉज दे आर इंग दर्थ सरफेस अंडरस्टूड लेट्स मूव एंड लेट्स डिस्कस अबाउट वॉल्कानो वॉल्कानो क्या है एंडोजेनिक फोर्सेस समटाइम्स प्रोड्यूस सडन मूवमेंट्स एंड अदर टाइम्स प्रोड्यूस स्लो मूवमेंट्स सडन मूवमेंट्स लाइक आर्थ क्वेक्स एंड वोकानो कजेस मास डेस्ट्रक्शन मास डेस्ट्रक्शन अर्थक्वेक और बोल्कानो क्या करते हैं सडन फोर्सेस है एंडोजेनिक फोर्सेस एंड दे कॉज मास डिस्ट्रक्शन ए बोल्कानो इज ए वेंट ओपनिंग ये ये बोल्कानो पूछता है एग्जाम में ये पूरा रेडीमेड डेफिनेशन है बोलकानो इज ए वेंट ओपनिंग इन द आर्थ क्रस्ड थ्रो विच मोल्टन मेटेरियल सडनली कॉजेस मास डिस्ट्रक्शन ओवर द सरफेस ऑफ द अर्थ ये बोलकानो देख रहे हैं ये है क्रस्ड ये है मैग्मा चैम्बर मैग्मा मेंटल मेंटल दिस इज मेंटल एज यू डिस्कस्ड दिस इज मेंटल दिस इज मैग्मा चैम्बर चैम्बर दिस इज लार्भा दिस इज वेंट है दिस इज क्रेस्ट इधर से आश एंड फायर आश एंड फायर एंड मेंटल मेंटल इज पोरिंग आउट ये लाभ आपका वॉल्कानो है ठीक है मोलकानो ये बैंड ये जो बैंड है ये सडन अपनिंग वोल्कानो इन द आर्थ क्रस्ट थ्रो विच मोल्टनो मोल्टन मेटेरियल इडनली कॉज मास डिस्ट्रक्शन ओवर दर्फेस ऑफ द आर्थ ठीक है लेट्स मूव नाउ नाउल डिस्कस अबाउट आर्थक् क्या है सिमिलरलीव दर्फेस ऑफ द आर्थ वाइब्रेट्स जब ये दो प्लेट ये एक एक लिथोस्पेरिक प्लेट है ये अनदर लिथोस्पेरिक प्लेट है व्हेन दे आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शन दे गट फ्रिक्शन विथ ईच अदर एंड दे आर्थ वाइब्रेट्स वाइब्रेशन कैन ट्रेवल और अराउंडेशन आर कॉल्ड आर्थक्वेक आर्थक् क्या है ना व्हेन दो टू लिथोस्पेरिक प्लेट्स आर मूविंग पास्टच अदर दे कोलाइड इच अदर एंड दे टीयर अपार्ट दे रिलीज द एनर्जी एंड दोज वेब्स क्रिएट ट्रेवल अराउंड एंड दिज वेब्स आर कॉल्ड आर्थ क्वेक द प्लेस इन द क्रॉस्ड वे आर द मूवमेंट स्टार इज कॉल्ड द फोकस द प्लेस ऑन द सर्फेस एबोव द फोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर इसमें दिखाता हूँ आपको देखिए दिस इज ए प्लेट दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन एन अदर प्लेट दिस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन इधर फ्रिक्शन पॉइंट हुआ एंड दैट बॉद प्लेट कोलाइडेड हियर एंड एनर्जी रिलीज एट दिस पॉइंट दिस इज कॉल्ड फोकस द पॉइंट एट विच एनर्जी इज रिलीज इट इज कॉल्ड फोकस एंड फोकस के पूरा परपेंडिकुलर ऑन द टॉप ऑफ द सरफ़ेस ये एग्जाम में बहुत बार पूछता है दिस क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड इन एग्जामिनेशन डायरेक्टली सो बी अंडरस्टैंड दिस पॉइंट दिस फोकस इज द पॉइंट वे आर टू प्लेट्स कोलाइडेड विथ इच अदर जब ये दो प्लेट जहाँ कोलाइड हुए ये सपोज पॉइंट पे फ्रिक्शन हुआ द पॉइंट एट वेयर द टू प्लेट्स आर कोलाइडिंग विथ इच अदर अंडर द क्रस्ट दिस इज कॉल्ड फोकस फोकस कहाँ हुआ इनसाइड द अर्थ इनसाइड द क्रस्ट एंड द फोकस डायरेक्टली एट द परपेंडिकुलर दर्पेंडिकुलर एबोब दोकस टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ इट इज कॉल्ड एपिक सेंटर एपिक सेंटर कहाँ है ऑलवेज एपिक सेंटर एग्जिस्ट ऑन द टॉप सरफेस ऑफ द अर्थ क्रॉस्ट ओके सो दिस इज द फोकस दिस इज दिक सेंटर एंड एनर्जी रिलीजियस एट द फोकस पॉइंट इट फ्रॉम दियर इट डिस्ट्रीब्यूट एंड ट्रेवल्स अराउंड द आर्थ ठीक है ये जो वेब हुआ इसको हम सेमिक वेब कहते हैं एंड इट इज दीज आर द प्लेट मूवमेंट एंड दिस क्रिएट्स है वर्क एंड आर्थ क्वेक इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे फर्दर द्लेस इन द क्रॉस्ट वेर द मूवमेंट स्टार्स इज कॉल्ड द फोकस द प्लेस ऑन द सर्फेस एब दस द्लेस ऑन द सर्फेस एब दोकस इज कॉल्ड एपिक सेंटर वाइब्रेशन ट्रैवल आउटवर्ड्स फ्रॉम द एपिक सेंटर एज यू एफ्स वाइब्रेशन ट्रेवल आउटवर्ड्स फ्राम दिक सेंटर एज वेब ग्रेटेस्ट डैमेज इज यूजअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर ग्रेटेस्ट डैमेज कहाँ होता है यूजअली क्लोजेस्ट टू द एपिक सेंटर अगर ये फोकस हुआ इधर एपिक सेंटर हुआ इसके सराउंडिंग में सबसे ज्यादा डेस्ट्रक्शन होता है क्लोजअ टू द एपिक सेंटर इज द हाइस्ट डेस्ट्रक्शन ओके सो लेट्स मूव देर आर सेमिक वेब्स क्या कहते हैं सेसेमिक वेब्स आर वेब्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रावेल थ्रू द आर्थ् लेयर सेसिमिक वेब्स क्या है ना वेब्स ऑफ एनर्जी व्हाट इज द सेसमिक वेब सेसमिक वेब इज द वेब्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रावेल्स थ्रू द अर्थ्स लेयर एंड आर ए रिजल्ट ऑफ आर्थ क्वेक्स बॉल्कैनिक एरोप्शंस मागमा मूवमेंट लार्ज लैंडस्लाइड्स एंड लार्ज मैन मेड एक्सप्लोजंस दैट गिव आउट लो फ्रीक्वेंसी एकॉस्टिक एनर्जी जब आर्थ क्वेक होता है इसको सेसिमिक वेब कहते हैं ये जो एनर्जी रिलीज हुआ व्हेन दैट एनर्जी इज रिलीज्ड बिकॉज ऑफ द मूवमेंट ऑफ द टू लेथोस्पियरिक प्लेट्स ইট ইজ রিলেজিং টু মচ এনারজি এট দি ফোকস সো এট দ ফোকস পয়েন্ট এনর্জি ইজ রিলেজ দিস ক্রিয়েটসেব দ আর্থ ক্রোস এন্ড আর্থ অরাউন্ড দি আর্থ ইনসাইড আর্থ আলসো সো এনর্জি ইজ ট্রান্সপোর্ট ইন টু ওয়েব এন্ড দ্যাট ট্রান্সমিট একস দি আর্থ ই ট্রান্সমিট হা এনর্জি আমা কে সেমিক সেমিকজ নথিং বট এনর্জি রিলেজ্ড ड्यू टू मूवमेंट ऑफ द लिथोस्पियरिक प्लेट्स ठीक है सेशमिक वेब क्या बोलेंगे सेशमिक वेब इज नथिंग बट द एनर्जी रिलीज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शन ऑफ द टू लिथोस्पियरिक प्लेट्स इट मे बी ड्यू टू बोल्कानो इट मे बी ड्यू टू अर्थक्वेक इट मे बी ड्यू टू लैंड स्लाइड्स इट मे बी ड्यू टू मैन मेड एक्सप्लोजन ऑल्सो मैन मेड एक्सप्लोजन मीन्स वेन वी डू माइनिंग ऑल्सो वी ब्लास्ट अर्थ इनर साइड थ्रो माइनिंग ब्लास्टिंग माइनिंग ब्लास्टिंग में बहुत एनर्जी रिलीज होता है बिकॉज इट क्रैक्स द अर्थ क्रॉस्ड सो देयर इज टो मच रिलीज ऑफ एनर्जी एंड दिस इज कॉल्ड सेसिमिक वेब्स ठीक है ये जो सेसिमिक वेब है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ सेसिमिक वेब पी यू एफ्स एस वेब्स एंड एल वेब्स पी वेब्स को लॉन्गिट्यूडल वेब्स भी कहते हैं सेकेंडरी एस वेब्स को ट्रांसवर्स वेब्स भी कहते हैं एल वेब्स को सरफेस वेब्स भी कहते हैं इसके बारे में एन सी आर टी में ज़्यादा है नहीं सो आई हैव पुट माई सेल्फ एंड एक्सप्लेन ऑल दीज वेब्स दिस क्वेश्चन आर बींग आस्कड ऑल्सो फ्राम दिस टाइप व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी यूब्स व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एस वेब सो प्लीज़ बी माइंडफुल आई लिसनिंग टू मी अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा है दे कैन कमेंट ऑन द कमेंट सेक्शन सो दैट आई एम कंटिन्यूअसली फॉलोइंग आई विल एक्सप्लेन यू हट एवर मे बी द डाउट ओके आई एम यूजिंग इंग्लिश सो होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट अंजलि यू हैव आस्क्ड अबाउट एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस ओके एंडोजेनिक एंड एक्सोजेनिक फोर्सेस लेट मी एक्सप्लेन अगेन देखिए ये जो आर्थ है दिस इज आर्थ एज आई एक्सप्लेन ये जो अपर लेयर है क्रॉस्ड है उसके अंदर मैग्मा है एंड उसके अंदर हमारा कोर है ठीक है होप यू ऑल आर गेटिंग दिस पॉइंट्स तो ये जो क्रॉस्ड है क्रॉस्ड एज वी डिस्कस्ड क्रॉस्ड एंड अपर लेवल अपर लेयर ऑफ अपर मेंटल कॉन्श ऑफ हमारा लिथोस्प्यर तो लिथोस्प्यर इज फ्लोटिंग ओवर दी मेंटल दिस इज मेंटल और अपर मेंटल लोअर मेंटल कन्सिट्स ऑफ मेंटल दिस लिथोस्पियर इज फ्लोटिंग ओवर दी मेंटल ठीक है बिकॉज ऑफ कन्वेक्शनल करेंट ऑफ दी मेंटल एज आई एक्सप्लेन अर्लियर बिकॉज ऑफ दिस कन्वेक्शनल करेंट ऑफ देंटल एज यू कैन सी फ्रॉम दिस फिगर एज इट इज राइजिंग

hope you are getting my point and because of this this lithosphere is moving and uh, here it is diverging so here magma may erupt because of it is a diverging boundary and this plate this plate is moving so it may collide with another plate so uh, when it is colliding like our uh, i showed you that india is moving in this direction it is colliding with eurasian plate so himalaya is rising so mountain building is happening

एज दिस वर्ड ऑरिजिन यू कैन सी एंडो मीन्स इनसाइड एक्जो मीन्स आउटसाइड एक्जोजेनिक फोर्स मीन्स अभी माउंटेन बिल्ड हो गया अभी एक माउंटेन बिल्ड हो गया अभी हिमालया बिल्ड हो गया ठीक है हिमालया राइज नाउ इज बिल्ट हिमालया अगेन इट विल बी इरोडेड बिकॉज ऑफ रेनिंग, बिकॉज ऑफ़ इरोजन बिकॉज ऑफ वेदरिंग वेदरिंग होगा टेम्परेचर एंड प्रेशर डिफरेंस से वेदरिंग होगा दे रॉक्स विल क्रैक

बिकॉज दे आर ऑपरेटिंग आउटसाइड एक्सोजेनिक फोर्सेज दोज फोर्सेज विच आर एक्टिंग इन साइड दोज विच आर एक्टिंग आउटसाइड दैट इज कॉल्ड एक्सोजेनिक फोर्सेज दोज विच आर एक्टिंग इन साइड इज कॉल्ड एंडोजेनिक फोर्सेस हाई कृतिका यू आर आस्किंग आर दी इंटरनल मूवमेंट्स आर एंडोजेनिक और एक्सटर्नल मूवमेंट्स मूवमेंट नहीं मूवमेंट नहीं मूवमेंट नहीं मूवमेंट को एक्सोजेनिक या एंडोजेनिक नहीं कह रहे हैं फोर्स देखिए ये जो माउंटेन बिल्ड हुआ आ, नो मूवमेंट को एक्सोजेनिक या एंडोजेनिक नहीं कहा जाता है फोर्स को एंडोजेनिक एक्सोजेनिक कहा जाता है देखिए ये, ये एक प्लेट है ये एक प्लेट है ये हमारा इंडियन प्लेट हो गया ये हमारा यूराशियन प्लेट हो गया ठीक है नाउ दीज प्लेट्स आर मूविंग टुवर्ड्स ईच अदर दे कोलाइडेड सो माउंटेन इज बिल्ट ओवर हियर ठीक तो ये जो एंडोजन ये जो आर्थ का मूवमेंट हुआ ये जो लिथोस्पियर मूवमेंट कर रहा है इंडियन प्लेट इज मूविंग यूरेशियन प्लेट इज ऑल्सो मूविंग यूरेशियन प्लेट इज मूविंग इंडियन प्लेट इज मूविंग व्हाई इट इज मूविंग बिकॉज दैट एज आई शोड बिकॉज ऑफ दिस मेंटल कन्वेक्शन ये मूव कर रहा है तो कोई फोर्स इसको अप्लाई कर रहा होगा ना अदरवाइज हाउ दिस प्लेट विल मूव दिस प्लेट इज मूविंग बिकॉज ऑफ इंटरनल फोर्सेस इंटरनल फोर्सेस ये जो इंटरनल फोर्स अप्लाई हुआ इसको हम बोले कि एंडोजेनिक एंडोजेनिक फोर्स अभी ये माउंटेन बिल्ट हो गया ये माउंटेन बिल्ट हो गया तो ये माउंटेन फिर इरोड होगा वेदरिंग होकर वेदरिंग होकर इरोजन होगा इरोजन होके फिर इसका सेडिमेंट्स कैरेडा हो जाएगा तो ये जो इरोजन हुआ है इसको निकाल के ले रहा है कोई फोर्स तो अप्लाई हो रहा है ना अदरवाइज वाई दिस माउंटेन विल डाउन डाउन साइज वाई इट विल इरोडेड बिकॉज सम फोर्स इज एक्टिंग दैट एक्सटर्नल फोर्स जो भी रिवर हो गया जो भी ग्लेशियर हो गया जो भी एक्सटर्नल फोर्स इज इरोडिंग दिस माउंटेन उसको हम कि एक्सोजेनिक बिकॉज इट इज़ एक्टिंग आउटसाइड आउटसाइड दी क्रस्ट तो ये सब एक्सटर्नल एजेंट्स हो गए मूवमेंट को कभी एंडोजेनिक एक्सोजेनिक नहीं बोल रहे हैं हम फोर्स को वट एवर फोर्स दर्स एक्टिंग इनसाइड दी क्रस्ट उसको हम एंडोजेनिक फोर्स बोले जो फोर्स आउटसाइड हो रहा है रिवर भी एक फोर्स की तरह तो है बिकॉज इट इज इरोडिंग द माउंटेन इट हैज सर्टन फोर्स वाटर हैज सर्टन फोर्स सो उसको हम एक्सोजेनिक बोल रहे हैं होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट तो लेट्स मूव तो ये जो बल्कानो आर्थ क्वेक ये सब क्या है इंटरनली तो हो रहा है इसको हम एंडोजेनिक बोलेंगे एंड्रोजेनिक फोर्सेस ठीक बिकॉज इट इज हैपनिंग फ्रॉम इनसाइड सो आर्थ क्वेक में हाँ आर्थ को आर्थ को जी कजिंग सेसेमिक वेब्स ये जो सेसिमिक है वेब्स है वेब्स ऑफ एनर्जी दैट ट्रेवल थ्रो आर्थस लेयर सिंपल कंसेप्ट है सेसिमिक वेब तो ये जो सेसिमिक वेब है देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मेनली थ्री टाइप्स लॉन्गि पी वेब्स या लॉन्गील वेब्स बोलते हैं एस वेब्स या ट्रांसवर्स वेब बोलते हैं एल वेब्स या सरफेस वेब्स बोलते हैं ठीक है लेट्स मूव एंड डिस्कस वाट आर द प्राइमरी वेब्स इसको अच्छे से समझ लीजिए यू विल नॉट गेट ऑल दिस थिंग्स एवरीवेयर सो प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट्स एंड इट इज़ वेरी इजी प्राइमरी वेब्स क्या है पी यू एब्स भी बोलते हैं इसको प्राइमरी वेब्स भी कहते हैं पी स्टैंड्स फॉर प्राइमरी बिकॉज दिस इज द फास्ट वेब दैट रीचेस अवर सेशमिक स्टेश्स हाँ और एक चीज़ छूट गया हमारा ओके mm ओके -hmm. okay. okay. लेट्स स्टार्ट प्राइमरी वेब्स आर कंप्रेशनल वेब्स दैट आर लॉन्गील इन नेचर लॉन्गील मतलब लॉन्गील मतलब इसको अच्छे से समझ लीजिए लॉन्गील मतलब द वेब इज प्रॉपर इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ये देखिए इसी डायरेक्शन में हमारा वेब जा रहा है एंड इसी डायरेक्शन में वेब भी जा रहा है वेब मतलब ये जो ब्लैक स्पॉट को आप नजर रखिए ब्लैक स्पॉट इज एक्सपेंडिंग एंड कंप्रेसिंग एक्सपेंडिंग एंड कंप्रेसिंग नाउ सी अगेन यू विल अंडरस्टैंड हियर इट इज कंप्रेस्ड देन एक्सपेंडेड देन कंप्रेस्ड सो देब इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन वेब इज मूविंग इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन इसको हम क्या बोलते हैं लॉन्गील इन नेचर लॉन्गिट्यूडिनल वेब बोलते हैं पी यू आर प्रेशर वेब्स दैट ट्रैवल फास्टर देन अदर वेब्स दिस इज द फास्टेस्ट वेब फास्टेस्ट सेशमिक वेब ठीक है पी यू आर प्रेशर वेब दैट ट्रैवल फास्टर देन अदर वेब्स थ्रो द अर्थ टू अराइव एट सेमोग्राफ स्टेश फास्ट द नेम प्राइमरी तो जो हमारा प्राइमरी वेब्स है वह सबसे फास्ट मूव कर रहा है दैट मूव्स फास्ट एंड इट इज ए लॉन्गीट्यूडनल इन नेचर ये याद रखिए प्राइमरी वे जो है उसको प्रेशर वेव भी बोलते हैं एंड दैट इज लॉन्गिट्यूडनल इन नेचर दैट इज द फास्टेस्ट वेव ओके दीज वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू एनी टाइप ऑफ मटेरियल ये जो वेव है इट कैन मूव थ्रो इट कैन पास थ्रो ट्रेवल थ्रो एनी टाइप ऑफ मटेरियल चाहे वो सॉलिड हो चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस ग्यास हो स्टेट हो इट कैन ट्रैवल थ्रू एनी टाइप ऑफ मटेरियल इंक्लूडिंग फ्लूइड्स वन पॉइंट इट इज इट कैन travel वन पॉइंट सेवन टाइम्स फास्टर वन पॉइंट सेवन टाइम्स फास्टर देन दी सेकेंडरी take इन एयर दे टेक फॉर्म ऑफ are साउंड to दे आर सिमिलर टू द साउंड वेब ये भी क्वेश्चन पूछता है एग्जामिनेशन में सो प्लीज रिमेंबर ये जो प्राइमरी वेव है दैट इज सिमिलर टू द साउंड वेब एंड इसका जो वेलोसिटी है एयर में साउंड के स्पीड के बराबर है थ्री थर्टी मीटर पर सेकेंड ठीक है ये जो इन एयर दे टेक द फॉर्म ऑफ साउंड वेव्स हैंस दे ट्रैवल एट द स्पीड ऑफ साउंड तो ये जो प्राइमरी वेव है दैट कैन मूव इन द एयर आल्सो ठीक एंड इट इज़ इन लॉन्गील लेचर लॉन्गील मींस द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन के साथ उसका वेव भी मूव कर रहा है इसी डायरेक्शन में ही वेव मूव कर रहा है देखिए इट इज मूविंग इन दैट डायरेक्शन इसको प्राइमरी वेव कहते हैं सेकेंडरी वेव क्या है आर शीयर वेव्स दैट आर ट्रांसवर्स इन नेचर ट्रांसवर्स मीन्स इट इज परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन वेब का प्रोपागेशन कैसा है इन दिस डायरेक्शन इट इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन बट वेब का जो मूवमेंट है वर्टिकल है देखिए वेब जो हो रहा है ऐसा ऐसा हो रहा है इट इज मूविंग इन द वर्टिकल डायरेक्शन सो इट इज़ ट्रांसफर्स इन नेचर देखिए ये कुछ भी मूव नहीं हो रहा है दिस इज राइजिंग दिस इज फॉलिंग, राइजिंग एंड फॉलिंग राइजिंग एंड फॉलिंग देखिए वहीं उठ रहा है वहीं गिर रहा है एट द सेम पॉइंट इट इज राइजिंग एंड सेम पॉइंट इट इज डिप्रेसिंग सो दिस इज ट्रांसफर्स इन नेचर फॉलोइंग एन आर्थक् इवेंट एस वेब अराइव एट सेसिमोग्राफ स्टेशन आफ्टर फास्टर मूविंग पी यूएफ्स के बाद एस वेब्स आता है अगर फर्स्ट कौन सा पहुंच रहा है सेसिमोग्राफ स्टेशन के पास जो मेजरिंग स्टेशन होता है पी यू एफ दे आएगा एस वेब देन आएगा हमारा एल वेब सरफेस वेब्स एंड डिस्प्लेस द ग्राउंड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपेगेशन एज वी कैन सी एस वेब्स कैन ट्रैवल ओनली थ्रो सॉलिड्स इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है इट कैन ट्रैवल ओनली थ्रो सॉलिड्स ये फ्लूइड के अंदर जा नहीं सकता इट कैन नॉट ट्रैवल थ्रो द फ्लूइड्स

सो इट सजेस्ट एज आउटर कोर मस्ट बी इन द लिक्विड स्टेट हम ये जो इनर का आ, आर्थ का इनर स्ट्रक्चर के बारे में हमें कैसे पता चल रहा है थ्रो दि सेमिक वेब्स दिस एस वेब डज नॉट एग्जिस्ट इन द आर्थ आउटर कोर दैट सजेस्ट अस दैट आर्थ् आउटर कोर मस्ट बी ए लिक्विड स्टेट ठीक है अभी एल वेब्स को भी लॉब वेब्स बोलते हैं और सरफेस वेब भी कहते हैं सरफेस वेब भी कहते हैं इसको ठीक है दिस एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ द आर्थ सरफेस ये आर्थ की सरफेस ऊपर ही एग्जिस्ट करता है इट डज नॉट एग्जिस्ट इनसाइड द आर्थ क्रस्ट आर्थ की क्रस्ट के अंदर दिस वेब डज नॉट एग्जिस्ट आर्थ के अंदर आर्थ के अंदर दिस एल वेब डज नॉट एग्जिस्ट इट एग्जिस्ट ओनली ऑन द सर्फेस ऑफ द आर्थ They are largest at the surface and decrease in amplitude with the depth. They are largest on the surface as we go deep, their uh, amplitude decreases. Log waves are dispersive, that is, the wave velocity is dependent on frequency. Log waves are dispersive, that is, the wave velocity is dependent on frequency. विथ लोअ फ्रिक्वेंसी नॉर्मली प्रोपागेटिंग एट हायर वेलोसिटी ये जो एल वेव है उसका फ्रिक्वेंसी बहुत कम है एंड इट ट्रेवल्स विथ हायर वेलोसिटी डेप्थ ऑफ पेनेट्रेशन ऑफ द लोअर वेव इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन फ्रीक्वेंसी विथ लोअर फ्रिक्वेंसी पेनेट्रेटिंग टू द ग्रेटर डेप्थ दिस इज द मोस्ट डिस्ट्रक्टिव जो भी डिस्ट्रक्शन होता है हमारे अर्थ में ड्यू टू अर्थ क्वेक इट इज बिकॉज ऑफ दिस सरफेस वेव्स जो भी डिस्ट्रक्शन होता है डिस्ट्रक्शन होता है बिकॉज ऑफ दिस सरफेस वेव दिस एल वेव एल वेब की वजह से हमारा सारे कुछ डिस्ट्रक्शन होता है नॉट बिकॉज ऑफ प्राइमरी वेब बट प्राइमरी वेब एंड सेकेंडरी वेब आर द कॉज ऑफ प्रोड्यूसिंग दी सरफेस वेब्स हाउ एवर प्राइमरी एंड सेकेंडरी वेब्स आर नॉट दैट डेंजरस एज सरफेस वेब सरफेस वेब्स कॉज टू मच डिस्ट्रक्शन एंड दिस सरफेस वेब इज कॉज्ड बाई द प्राइमरी वेब एंड सेकेंडरी वेब इसको भी देख लेते हैं इसका डायरेक्शन क्या है इट इज मिक्स ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी लाइक इट मूव्स इन द डायरेक्शन ऑफ द प्रोपागेशन एजवेल इज इन द लॉन्गीडिनल डायरेक्शन देखिए इधर ये इस तरफ भी मूव कर रहा है एजुअल इज देयर इज लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट एजवेल इज वर्टिकल मूवमेंट बोथ मूवमेंट्स आर देयर वर्टिकल मूवमेंट इज ऑल्सो देयर लॉन्गिट्यूडिनल मूवमेंट इज ऑल्सो देयर सो लॉब वेव और सरफेस वेव इज द मोस्ट डेस्ट्रक्टिव एंड दिस कॉजेस ऑल द डेस्ट्रक्शन आर्थक्वेक कैश स्टडी आर्थक्वेक से क्या क्या सब नुकसान होता है यू कैन गिव कैश स्टडीज ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन वाइल राइटिंग द मेन एंसर्स यू कैन गिव द रिसेंट आर्थक्वेक कैश स्टडी सो इट वुड फैच यू मोर मार्क इन दैट यू कैन डिस्क्राइब व्हाट हैपेंड व्हाट इज द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई आर्थक्वेक एंड वाट आर द मेजर्स वी शुड टेक टू मिटिगेट द डिजास्टर तो मिटिगेट ये डिजास्टर मैनेजमेंट में पढ़ सकते हैं तो आई विल नॉट गो इन टू दैट डिटेल आई हैव शोन यू दैट हाउ यू शुड राइट एन आंसर इन द मेन एग्जामिनेशन मेन एग्जामिनेशन में यू शुड वेन एवर क्वेश्चन इज आस्क आर्थक्क यू शुड डिफाइन व्हाट इज आर्थ क्वेक एंड हाउ इट हैपन्स एंड व्हाट आर द सेसिमिक वेव्स एंड देन यू शूड डिस्क्राइब वट वट आर द डिस्ट्रक्टिव नेचर ऑफ द आर्थक् बाई गिविंग द रियल लाइफ एग्जाम्पल वे आर द लास्ट टाइम आर्थक् एंड व्हाट आर द डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाई द आर्थक् दैट वुड बी ए लाइवली आंसर अगर वो कैश स्टडी आप देते हैं एग्जामिनेशन में वाईल राइटिंग द मैन एग्जामिनेशन इट वुड बी अ लाइवली एंसर मतलब जिंदा हुआ आंसर रहेगा क्योंकि एग्जामिनर को पढ़ने में भी मज़ा आएगा एंड खुश लगेगा उसको बिकॉज यू आर रिलेटिंग टू द रियल टाइम सिचुएशंस हमेशा ये कोशिश करना जब मेन एग्जामिनेशन पे लिखते हो आंसर इट शुड बी रियल टाइम आंसर रियल टाइम एग्जाम्पल देना है तो ये अगर आर्थ को एक केस स्टडी देते हो एंड व्हाट हैपेंड इन दैट डिस्ट्रक्शन एंड हाउ गवर्नमेंट टूक द एक्शंस स्टेप्स एंड व्हाट आर द नेक्स्ट स्टेप्स दे कैन टेक

किस इंस्ट्रूमेंट से मेजर करते हैं विच इंस्ट्रूमेंट एसिमोग्राफ आर्थ को एक अब टू पॉइंट जीरो और लेस देन कैन बी फेल्ट ऑनली लिटिल टू पॉइंट जीरो से कम में अगर है इट कैन बी फेल्ट लिटिल अगर ओवर फाइव पॉइंट जीरो कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग अगर पाँच से थोड़ा ज़्यादा है तो चीज़ें गिर जाएगा आपके टेबल के ऊपर अगर कुछ है इट विल फॉल डाउन कैन कॉज डैमेज फ्रॉम थिंग्स फॉलिंग सिक्स पॉइंट जीरो और हायर मैग्नीट्यूड इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग सेवन पॉइंट जीरो इज क्लासीफाइड एज ए मेजर आर्थ क्वेक ये इसका क्लासीफिकेशन है टू पॉइंट जीरो से अगर कम है इट इज ए वेरी लिटिल एन आर्थक्वेक ओवर फाइव पॉइंट जीरो इट कैन डैमेज थिंग्स हाइल फॉलिंग एंड सिक्स पॉइंट जीरो से अगर है इट कैन डैमेज कंसिडरेबली एगन सेवन पॉइंट जीरो से ज़्यादा है इट विल क्रिएट ए मेजर आर्थ क्वेक ठीक है सो लेट्स मूव तो मेजर लैंडफॉर्म अभी देखेंगे मेजर लैंडफॉर्म ये हो गया हम एक्जोजेनिक एंडोजेनिक फोर्स के बारे में डिस्कस किए एंडोजेनिक फोर्स में हम क्या देखें आर्थ को देखें एंड बल्कनो देखें माउंटेन बिल्डिंग वी हैव नॉट सीन वी विल सी माउंटेन बिल्डिंग इन वाइल स्टडिंग एलेवेंथ क्लास सो वी आर हियर वी आर जस्ट ब्रीफिंग एंड गेटिंग इंट्रोडक्शन टू आवर फिजिकल जियोग्राफी सो विल नॉट गो इन टू मच डीप सो सो मेजर लैंड फॉर्म्स ये जो लैंड फॉर्म होता है बिकॉज ऑफ दी एक्जोजेनिक फोर्सेज एंड विल डिस्कस ऑल दीज लैंड फॉर्म्स दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट प्लीज बी विथ मी द लैंडस्केप इज बींग कंटिन्यूअसली ओरन अवे बाई टू प्रोसेस वेदरिंग एंड इरोजन ठीक है टू प्रोसेस से हमारा जो है लैंडस्केप इज़ बींग कॉन्टीन्यूअसली ओरन अवे बाई टू प्रोसेसेस कॉल्ड वेदरिंग एंड इरोजन वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द आर्थ सर्फेस ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द आर्थ सर्फेस इरोजन इज़ द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड स्कैप इरोजन वेदरिंग क्या है देखिए एक रॉक पी से एक रॉक पी से ना नाव इट इज एक्सपोज टू सनलाइट ड्यूरिंग डे एंड ड्यूरिंग नाइट इट इज एक्सपोज टू द नाइट स्काई

अब दैट पर्टिकुलर लोकेशन दिस देर इज डैमेज इन द रॉक दैट इज़ कॉल्ड वेदरिंग इट इज़ हेपनिंग बिकॉज ऑफ चेंज इन वेदर ठीक दिस इज वेदरिंग व्वेन व्न इट इज क्रैक्ड नाव इट इज वीक ना रेन देयर इज हैवी रेन सो हैवी रेन वट क्रिएट्स एंड देर इज रिवर ऑल्सो रिवर कंटिन्युअस् अटैक्स दिस एंड कजेस इरोजन कजिश इरोजन एंड टेक्स दिस रॉक्स टूअर्स लोअर वैली उसको हम क्या बोलते हैं इरोजन ठीक है हप यू गॉट द पॉइंट व्हाट इज वेदरिंग एंड व्हाट इज इरोजन वेदरिंग से पहले वीक हो जाता है रॉक इरोजन से क्या है उसको इरोजनल एजेंट लाइक रिवर टेक्स आवेदज मटेरियल्स टू द डाउन स्ट्रीम ठीक डाउन स्ट्रीम लेकर चले जाता है द वेदरिंग इज द ब्रेकिंग अप ऑफ द रॉक्स ऑन द आर्थ सरफेस इसको लिए वेदरिंग क्या है ब्रेकिंग अप इरोजन इज वेयरिंग अवे वेयरिंग अवे मतलब टेकिंग अवे अवे ऑफ द लैंडस्केप बाय डिफरेंट एजेंट्स लाइक वाटर वेदरिंग इरोजनल एजेंट्स कौन कौन सा है वाटर विंड एंड आइस द इरोडेड मटेरियल इज कैरियड अवे और ट्रांसपोर्टेड बाय वाटर विंड एक्सेट्रा एंड इवेंचुअली डिपोजिटेड समवेयर जब इधर से आ, आ, अपर स्ट्रीम से इरोजनल एजेंट टैक्स दी सैंड स्टोन्स एंड डिपोजिट एट दी लोअर स्ट्रीम ठीक है समो हर इट टू बी डिपोजिटेड सो दिस प्रोसेस ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन क्रिएट्स ए डिफरेंट लैंड फॉर्म ऑन दी सर्फेस ऑफ दी अर्थ इसके बारे में हम फर्दर चर्चा करेंगे वी विल डिस्कस दिस नेक्स्ट लाइव वर्क ऑफ ए रिवर रिवर भी एक इरोजनल एजेंट है दैट क्रिएट्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ लैंड फॉर्म ल डिस्कस ऑल दो लैंडफॉर्म्स तो क्या क्या लैंडफॉर्म क्रिएट करता है रिवर रिवर क्या है एक एक्जोजेनिक फोर्सेस का एग्जाम्पल है बिकॉज इट इज एक्टिंग आउटसाइड ऑफ़ द दर्थ क्रस्ट, ठीक एनी डाउट कैन यू कैन प्लीज आस्क मी एनी डाउट यू कैन प्लीज आस्क मी आई विल क्लियर यू ओके तो द रनिंग वाटर इन द रिवर इोड्स द लैंडस्केप वेन द रिवर टम्बुल्स एट स्टीप एंगल ओवर वेरी हार्ड रॉक्स और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉल्स वाटरफॉल तो वाटरफॉल कैसा होता है लेट मी शो यू देखिए दैट रिवर इज कमिंग

and this hard rock is not uh, able to be eroded by river water so it remained like a stand rock and uh, this is soft rock uh, gradually eroded and it created a waterfall like structure this is waterfall hope you are understanding so this is the waterfall here you see this is the hard rock here remained this uh, soft rock eroded and this is created the waterfall वाटर फॉल इज नथिंग बट द चेंज इन द कोर्स ऑफ द रिवर द रिवर का कोर्स जो था ऐसा था नाउ इट इज इरोडेड सो हिट क्रिएटेड ए वाटरफॉल हियर इधर एक पूल हो जाएगा वाटर पुल टाइप एंड रिवर विल कंटिन्यू सो द रनिंग वाटर इन द रिवर इोड्स द लैंडस्केप एन द रिवर टम्बुल सेट स्टीप एंगल ओवर ए वेरी हार्ड रॉक और डाउन ए स्टीप वैली साइड इट फॉर्म्स ए वाटरफॉल सो रिवर ने रिवर का एक लैंडफॉर्म है वाटरफॉल ठीक है देयर आर थाउजेंड्स ऑफ स्मॉल वाटरफॉल्स इन द वर्ल्ड द हाईएस्ट वाटरफॉल इज एंजल फॉल ऑफ वेनेजुएला ये बहुत इंपॉर्टेंट है सो इसको रिमेंबर करिए एंजल फॉल इन वेनेजुएला ऑफ साउथ अमेरिका में ये वेनेजुएला में ये एंजल फॉल्स है दैट इज द हाईएस्ट वाटरफॉल दॉटर अदर वाटरफॉल्स नाइगारा फॉल्स लोकेटेड ऑन द बॉर्डर बिटवीन कनाडा एंड यूएसए इन नॉर्थ अमेरिका विक्टोरिया फॉल्स ऑन द बॉर्डर्स ऑफ जाम्बिया एंड जिम्बाब्वे इन अफ्रीका ये जो जो भी लोकेशन यू आर फाइंडिंग इन द एन सी आर टी दोज आर वेरी इंपॉर्टेंट ऑलवेज प्लीज रिमेम्बर दोज लोकेशन बिकॉज डायरेक्टली क्वेश्चन इज बीइंग आस्ड फ्रॉम एन सी आर टी सो वेन एवर यू आर फाइंडिंग एनी लोकेशन एनी इंपॉर्टेंट प्लेसेस इन द एन सी आर टी प्लीज मार्क इट इन योर मैप वर्ल्ड एटलस और समटाइम्स यू सर्च अबाउट दैट लोकेशन इन द विकीपीडिया और इंटरनेट यू विल फाइंड एनफ इंफॉर्मेशन सो इट वुड बी रिमेम्बर्ड फॉर यू सो एंजल फॉल इन बेनेजुएला इज़ द हाइस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड हाएस्ट वाटरफॉल इन द वर्ल्ड इज लोकेटेड इन द साउथ अमेरिका इन द कंट्री वेनेजुला एंड इट इज एंजल फॉल ठीक है एंड नायगरा फॉल इज द कैनाडा एंड यू दैट इज ए वेरी एट्रैक्टिव टूरिस्ट प्लेस दैट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट so let's move another other landforms are also there uh, created by river meanders and oxbow lakes meanders and oxbow lakes क्या है अगर आप गंगा रिवर देखे होंगे गंगा जी को उसका जो कोर्स है ना बहुत मियंडरिंग है अवर द गजेटिक प्लेन इंडो गैन्जेटिक प्लेन यू विल फाइंड द कोर्स इज लाइक दिस ये जो uh, कोर्स है रिवर का ये गंगा का भी देखोगे, आप देखोगे जीपीएस पे गूगल मैप पे देखोगे यू विल फाइंड हाउ अ मियनडरिंग इट इज गंगा का जो रिवर कोर्स है ये जो ऐसे ऐसे करके मूव कर रहा है इसको क्या बोलते हैं मियडरिंग मियंडरिंग मियंडरिंग रिवर और ये जो है इसको क्या बोलते हैं ऑक्सबो लेक ऑक्सबो लेक कैसे फॉर्मेशन होता है ये इम्पोर्टेंट है सो प्लीज बी विथ मी ऑक्सबो लेक ये ये अभी मियाडरिंग हुआ मियाडरिंग होकर धीरे 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 क्या होगा लेट मी एक्सप्लेन ये अभी मियाडरिंग हो रहा था ठीक है देन स्लोली स्लोली व्हाट विल हैपन रिवर विल मूव दिस टाइप ऑफ शेप इट विल टेक रिवर इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन स्लोली स्लोली इट विल बी इरोडेड ऐसा ऐसा जाएगा ये ऐसे ऐसे जाएगा ये ऐसे ऐसे जाएगा ये ऐसे ऐसे जाएगा ये ऐसे ऐसे जाएगा देन दिस दिस पार्ट विल बी कनेक्टेड एंड दिस पार्ट विल रिमेन लाइक दिस ये रिवर नाउ विल फॉलो दिस कोर्स रिवर विल फॉलो दिस कोर्स एंड हेयर ये कट हो के रह जाएगा ये जो कट हो के रह गया इसको क्या बोलेंगे ये ऐसे ऐसे जा रहा था ये कट हो गया ऐसे ऐसे जा रहा था ना रिवर स्टार्टेड मूविंग दिस डायरेक्शन दिस दिस हज बीन कट ऑफ इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सबोलैक ओके okay? ऑक्सबोलैक इसको हम क्या बोलेंगे ऑक्सबोलैक सिमिलर इज द कैश हेयर इसको हेयर इट इज हेज बीन कट ऑफ फ्रॉम द रिवर कोर्स नाउ इट इज रिमाइंडियर इट इज अक्शो लेक अक्शवो लेक ठीक है और ये जो है मियाडरिंग चैनल है एज द रिवर एंटर्स द प्लैन इट टूस्ट एंड टर्नस फॉर्मिंग लार्ज बैंड्स नॉन एज मडर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस इरोजन एंड डिपोजिशन एलंग दाइड्स ऑफ द मियाडर द एंड ऑफ द मियनडर लुक्स कम क्लोजर एंड क्लोजर इन ड्यू कोर्स ऑफ द टाइम मियंडर लुक कट्स अप फ्रॉम द रि एंड फॉर्म्स ए कट ऑफ लेक ऑल्सो कॉल्ड एंड अक्शवो लेक तो ऑक्सबो लेक इज नथिंग बट कट ऑफ फ्रॉम दी मेंडरिंग चैनल तो ये हमारा ऑक्सबो लेक हो गया तो ये सब इम्पोर्टेंट लैंडफॉर्म्स है अप रिवर सो प्लीज़ रिमेम्बर ऑल दीज लैंडफ फॉर्म्स इट वुड बी इजी आई एम एक्सप्लेनिंग इट वेरी सिंपल वे सो प्लीज़ डोंट भी कॉम्प्लिकेटेड डोंट बी कन्फ्यूज रिवर का क्या हम लैंडफॉर्म देखें एक तो वाटरफॉल हो गया वाटरफॉल क्यों बिकॉज ऑफ हार्ड रॉक एंड सॉफ्ट रॉक इन कोर्स ऑफ द रिवर हार्ड रॉक इरोजन में डिफिकल्टी होता है सो इट डज नॉट इरोड हावर सॉफ्ट रॉक इज इरोडेड एंड द रिवर कोर्स गोज डीप एंड क्रिएट्स ए ग्रेजुअली स्लोली स्लोड इट क्रिएट्स एन वाटरफॉल और हाइस्ट वाटरफॉल कहाँ है एंजल फॉल्स इन वेनेजुला इन साउथ अमेरिका तो उसके बाद भी जब प्लेन एरिया में रिवर आ जाता है प्लेन एरिया में रिवर आ जाता है तो ये बहुत मीएंडरिंग ट्विस्ट एंड टर्न करके ये मूव करता है इधर इधर लाइक ए स्नैक और इसको क्या बोलते हैं हम चैनल बोलते हैं एंड दिस मीएंडरिंग आफ्टर सर्टन टाइम दिस कट्स अप फ्रॉम मेन चैनल एंड इट लेफ्ट अवे लाइक दिस दिस इज दिस दिस ऑफ चैनल इज कॉल्ड एंड इट इज आइसोलेटेड फ्रॉम द मेन रिवर एंड इट इज कॉल्ड अक्शब लेक इसको अक्शबलेक बोल रहे हैं ठीक है तो उसके बाद क्या है फ्लोर प्लान भी है लिबीज भी है डेल्टा भी है इसको हम एक बार चर्चा कर लेते हैं देख लेते हैं क्या है लट्सी फ्लोर प्लान क्या है एट टाइम्स द रिवर ओवर फ्लोर इज बैंक दिस लीड्स टू द फ्लोरिंग ऑफ दुड नेबरिंग एरियाज एज इट फ्लोर्स इट डिपोजिट्स लेयर्स ऑफ फाइन सॉयल एंड अदर मटेरियल्स कॉल्ड सेडिमेंट ओवर इट्स बैंक ठीक है जब ये जो आ, हमारा रिवर कोर्स में जब चलता है ऐसे ऐसे इट इज मूविंग नाउ इट इज फ्लोडेड व्हेन देयर इज मोर वाटर इन द रिवर इट फ्लोड्स एंड इट इट ब्रेक्स द बैंक ऑफ द रिवर एंड इट फ्लोट्स इन द नेबरिंग एरिया सो इट क्रिएट्स एंड व्हाट एवर सेडिमेंट्स वे आर कैरिंग इन द रिवर इट बींग्स डिपोजिटेड इन द नियर बाई एरिया में वो डिपोजिट हो जाता है जो भी सेडिमेंट्स आ रहा था रिवर में वो डिपॉजिट हो गया नियर नेबरिंग एरिया में तो वन इट डिपोजिट्स इट क्रिएट्स फ्लोर प्लान इसको क्या बोलेंगे फ्लोर प्लेन ठीक है एंड ये जो बैंक में भी डिपोजिट हो जाएगा बैंक के ऊपर बैंक थोड़ा क्या हो जाएगा ऐसे शेप हो जाएगा जैसे था ये ऐसे शेप हो जाएगा इसको क्या बोलेंगे हम लिबिज बोलेंगे जो बैंक के ऊपर थोड़ा सा डिपॉजिट हो के थोड़ा सा हाइट बन गया बैंक उसको हम लिविज बोलेंगे लिविज ठीक है ये बैंक के ऊपर थोड़ा सा ऊंचा 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 हो गया बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स उसको हम लिविज बोले ठीक एंड ये जो है ये फ्लोर प्लान है ये ये देखिए फ्लोर प्लान इसको क्या बोले है? हम फ्लोर प्लान ओके एंड डेल्टा के बारे में डिस्कस करेंगे एज द रिवर अप्रोचेज द सी द स्पीड ऑफ द फ्लोइंग वाटर डिक्रीजेस एंड द रिवर बिगिनस टू ब्रेकअप इंटू ए नंबर ऑफ स्ट्रीम्स कॉल्ड डिस्ट्रीब्यूटरीज The river becomes so slow that it begins to deposit its load. Each distributary forms its own mouth. The collection of sediments form from all the mouths form a delta. जैसे मैन रिवर आ रहा था, मैन रिवर आने के बाद क्या होता है फिर? मैन रिवर आने के बाद, ये मैन रिवर आ रहा था, when it is uh, uh, at the its mouth, when it is going to the sea, uh, extracting, uh, ejecting at the sea. इट इज डिवाइडेड इन टू मैनी डिस्ट्रीब्यूटरीज डिस्ट्रीब्यूटरीज में डिवाइड हो जाता है एंड इट डिपोजिट्स ऑल सेडिमेंट्स इन दिस जोन जब ये सेडिमेंट्स सब यहाँ डिपोजिट हो जाता है ये जो ट्राइंगर शेप का एक डिपोजिशनल फीचर बनता है इसको हम क्या बोलते हैं डेल्टा ठीक है बिकॉज इट इज लुकिंग लाइक ए डेल्टा

कहाँ बनता है बिकॉज ऑफ इरोजन एंड डिपोजिशन फीचर ऑफ द सी वेब सी में हमेशा वेब चलता है उसकी वजह से जो लैंडफॉर्म बनता है उसको हम आ, सी कोस्ट मतलब कोस्टल लैंडफॉर्म या सी वेब के द्वारा जो लैंडफॉर्म बनता है उसको बनते हैं सी वेब्स कंटिन्यूअसली स्ट्राइक एट द रॉक्स क्रैक्स डेवलप ओवर टाइम दे बिकम लार्जर एंड वाइडर दस हल्लो लाइक कैप्स आर फॉर्म ऑन द रॉक्स दे आर कॉल्ड सी कैप्स देखिए सी वेब का भी एनर्जी है एंड ये कोस्टल कोस्ट पे जो भी रॉक्स है उसको वो कंटिन्यूअसली रिगिंग कर रहा है निगिंग कर रहा है देन व्हेन इट इज कंटिन्यूअसली निगिंग एट दी पॉइंट एट द रॉक्स देन क्रैक डेवलप्स ओवर द रॉक दैट क्रैक ग्रेजुअली एनलार्जेस एंड व्हेन इट एन एंड इट इज विजिबुलट इज वी टर्म इट इज सी कैब हियर इट इज सी कैब इज यू कैन सी इज इज सी कैब दिस दिस क्राक हैज़ बीन एनलार्ज एंड नाउ इट इज टेकन द शेप ऑफ ए कैब सो इट इज़ कॉल्ड सी कैब द सी कैब इज़ द लैंड फॉर्म डेवलप्ड बिकॉज ऑफ सी वेब्स नाउ दिस कैब अगेन फर्दर इरोडेड फर्दर इरोड ग्रेजुअली ग्रेजुअली एंड दिस इज दिस इरोड्स एंड देयर इज ओनली रूफ ओवर दे एयर एंड देयर इज ए क्लियर पैसेज इसको हम क्या बोलते हैं सी आर्क बोलते हैं आर्क सी आर्क ठीक है एंड समटाइम्स दिस इरोजन हैपेंस हैपेंस दिस रूप अगेन फॉल्स डाउन दिस रूप फॉल्स डाउन एंड वन स्टैंडिंग रॉक विल रिमेन लाइक दिस इट इज़ कॉल्ड स्टाक्स सो अगर एग्जाम में पूछता है स्टाक् इज द एग्जाम्पल ऑफ हुईज टाइप ऑफ लैंडफॉर्म इट इज ए कॉस्टल लैंडफॉर्म एंड कॉज्ड ड्यू टू सी ओप्स कॉज्ड ड्यू टू सी ओप्स फर्दर इरोजन बैक्स द रूप एंड ओनली वॉल्स आर लेफ्ट दिस आर दिज वर्ल्ड्स लाइक फीचर आर कॉल्ड स्टैक्स ये सी यू एफ का लैंडफॉर्म है तो और उसके वजह से क्या होता है सी क्लीप भी होता है जब कोस्टल एरिया में रॉकी स्ट्रक्चर को कोस्ट को इरोजन कंटिन्यूसली इरोजन होता है एंड दिस स्टैंडिंग रॉक रिमेन्स लाइक दिस एंड हेयर इज द कॉन्टिनेंटल मास सो दिस दिस इज कॉल्ड क्लीफ स्टैंडिंग रॉक स्टैंडिंग रॉक इसको हम क्लिफ ही बोलेंगे दी स्टीप रॉकी कोस्ट राइजिंग ऑलमोस्ट वर्टिकली अबव द सी वाटर इज कॉल्ड सी क्लिफ द सी वेब्स डिपोजिट सेडिमेंट्स एलॉन्ग दी शोर्स फॉर्मिंग बीचेस ये जो देख रहे हैं आपको तो इसे बहुत फेमिलियर uh, हैं तो दिस इज बीच जो डिपोजिशनल फीचर इधर डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स सो बीच इज अ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म डिपोजिशनल बिकॉज इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ सी वेब्स ठीक है ये सब सैंड जो है इट इज डिपोजिशनल फीचर ये जो क्लीप हो गया ये सी कैप्स सी आर्प्स एंड सी स्टाक्स दीज आर इरोजनल फीचर्स दीज आर हैपनिंग बिकॉज ऑफ इरोजनल एक्टिविटीज ऑफ सी वेब्स सो तो लेट्स मूव फर्दर वर्क ऑफ आइस आइस भी इरोड करता है ग्लेशियर्स आर रिवर्स ऑफ आइस ये जो देख रहे हैं ये जो आपको दिखाया हमें पिक्चर फि, फि, में दिस इज आइस मास इज मूविंग कंटिन्यूसली लाइक ए रिवर इट इज कॉल्ड ग्लेशियर

सो बाई बुल्डोजिंग सॉयल एंड स्टोन्स टू एक्सपोज दॉलिड रग बिलो ग्लेशियर्स कारब आउट डीप हॉलॉज हॉलोज मीन्स बहुत गहरा घाई कर देता है डीप हॉलॉज ए द आइस मेल्ट दे गेट फील्ड अप विथ वाटर एंड बिकम ब्यूटिफुल लेक्स एंड समटाइम्स इट इज हियर इट इज लेक यू कैन सी वेन इट मेल्ट वाटर स्टॉक्स इन शर्टन डीप प्लेसेस एंड दिस इज कॉल्ड लेक्स इन द माउंटेन दी मेटेरियल कैरेड बाई द ग्लेशियर एच इज रॉक्स बिग एंड स्मॉल सैंड एंड शिल्ड गैर्स डिपोजिटेड दिस डिपोजिट्स आर कॉल्ड ग्लेशियल मोरन ग्लेशियल मोरन इज ए डिपोजिशनल फीचर तो वो क्या है उसमें बोल्डर वोल्डर बोल्डर स्मॉल रॉक्स दिस टाइप ऑफ मेटेरियल वुड भी देयर बोल्डर सैंड सेडिमेंट्स उसको क्या बोलेंगे जो भी ग्लेशियल uh, एक्टिविटी से जो भी सेडिमेंट्स आकर डिपोजिट होता है उसको हम मोरेन कहेंगे ग्लेशियल मोरेन ये सब टर्म टर्मिनोलॉजी के साथ आप थोड़ा फेमिलियर हो जाए बी फेमिलियर विद दीज टर्म्स बिकॉज दिस विल कम अगेन एंड अगेन इन ज्योग्राफी वेन यू विल स्टडी ज्योग्राफी एंड इन मेनी टाइम्स इन एग्जामिनेशन ऑल्सो दिस टर्म्स कम्स सो बी फैमिलियर विथ दिस टाइप ऑफ टर्म्स सो डोंट वरी सो बी फैमिलियर विथ दीज टर्म्स दीज डिपॉजिट्स फॉर्म ग्लेशियल मोरेंस ओके

एज देयर इज नो वेजिटेशन टू ऑब्स्ट्रक्ट एनी मूवमेंट ऑफ विंड सो विंड इज़ वेरी स्ट्रांग द डेजर्ट इकोसिस्टम सो इन डेजर्ट्स यू कैन सी रॉक्स इन द शेप ऑफ ए मशरूम मशरूम के तरह जो रॉक का शेप होता है उसको मशरूम रॉक कहते हैं ये क्यों होता है देखिए ये जो एक मैंने शो किया हूँ पिक्चर में ये मशरूम रॉक है व्हाट है डेजर्ट व्हाट इट विल डू इट विल कैरी दीज सैंड्स एलोंग विथ हिट्स मूवमेंट वेन इट विल कैरी दी सैंड्स सैंड्स विल नॉट गो टू मच एबव इट एज इट इज हैवी ऑल्सो सैंड्स आर ऑल्सो हैवी सो इट विल मेंटेन दी क्लोज टू द ग्राउंड ये बहुत ऊपर नहीं जाएगा सो नीचे नीचे ही ज़्यादा रहेगा सैंड का जो ग्रेनुल ग्रेनुलर सैंड्स विल रिमेन इन दिल मेंटेन इन द लोअर सरफेस Uh, just above the surface so sands will blast in this zone sand will blast along with wind will blast the root of the stone so this root area will be eroded faster while the top area will remain like that as sand will not go beyond this too much above sand will not grow in wind so so it will create a shape of mushroom

Winds, it erodes the uh, lower part. Okay? Because uh, that sand will not go much above the surface. Sand has that heavy weight, so it will not go above the uh, surface more. <coughs> so it will blast only at the root of the stone. So the narrower base and wider top. When the wind blows, it lifts and transports sand from one place to another. वैन इट स्टॉप्स ग्लोइंग दैंड फॉल्स एंड गेट्स डिपोजिटेड इन ए लो हिल लाइक स्ट्रक्चर लो हिल लाइक स्ट्रक्चर दीज आर कॉल्ड सैंड ड्यून्स तो सैंड ड्यून क्या है एक डिपोजिशनल फीचर है जब वेन दैट सैंड्स आर बींग ट्रांसपोर्टेड बाई द मूवमेंट ऑफ विंड वैन दैट मूवमेंट ऑफ विंड बिकम स्लो देट देन इट डिपोजिट्स सैंड ओवर दर्फेस एंड वेर एवर इट डिपोजिट्स इट क्रिएट्स ए हिल लाइक स्ट्रक्चर उसको हम क्या बदलते हैं सैंड ड्यून्स When the grains of sand are very fine and light, the wind can carry it over a very long distance. When ये जो sand का अगर size बहुत छोटा and fine रहेगा, उसको बहुत दूर तक wind ले के जा सकता है. And when it carries uh, for long distance and uh, deposits over a grassland की uh, over a vegetation, it deposited in large areas it is called loess. Large deposits of loess is found in China. इसको देख लेते हैं वो कैसा इनपर वे, में ये देखिए. उन्स विंड कैरीज सैंड एंड डिपोजिट्स ओवर द सरफेस इट इज लाइक ए हिली स्ट्रक्चर इट क्रिएट्स इसको हम क्या बोलते हैं सैंड ड्यून्स और ये देखिए हमारा uh, क्या है लोयस बिकॉज फाइन डस्ट ऑफ द सैंड बिकम्स डिपोजिट्स ओवर ए लार्ज एरिया और समटाइम्स इट इज ऑल्सो वेजिटेशन इसको हम क्या बोलेंगे <coughs> लॉयस um, तो ये जो टर्म्स uh, है इसको याद कर लीजिए एंड बी फेमिलियर विद दिस टर्म्स इफ एनी डाउट यू आर फेसिंग प्लीज लेट मी नो प्लीज लेट मी नो एनी डाउट इफ यू आर फेसिंग ओके तो हमारा जो विंड का जो फॉर्म्स देखे हम मशरूम रॉक्स देखे जो कि इरोजनल फीचर है इट इज फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ इरोजन एट द रूट ऑफ द स्टोन रूट ऑफ द रॉक सो इसको मशरूम रॉक बोलते हैं ये एक इरोजनल फीचर है और ये जो हम देखे सैन ड्यून्स एंड लोएस इसको क्या बोलते हैं हम डिपोजिशनल फीचर डिपोजिशनल फीचर बिकॉज इट इज़ फॉर्म बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल एक्टिविटीज ऑफ द इरोजनल एजेंट सो लेट्स डू एक्सरसाइज एक्सरसाइज में वाई डू प्लेट्स मूव इट इज इट इज मूविंग बिकॉज ऑफ एंडोजेनिक फोर्सेस बिकॉज ऑफ मेंटल कॉन्ट ऑफ मेंटल कॉन्ट ऑफ करेंट ऑफ मेंटल और इसको एंडोजेनिक फोर्सेस भी कहते हैं व्हाट आर एक्सोजेनिक एंडोजेनिक फोर्सेस, एक्सोजेनिक फोर्सेस आर एंडोजेनिक फोर्सेस आर ऑफ टू टाइप्स डायस्ट्रोपिक एंड कैटास्ट्रोपिक डायस्ट्रोपिक में जो माउंटन बिल्डिंग स्लो मूवमेंट ऑफ द कॉन्टिनेंट्स कैटास्ट्रोपिक में हमारा हो गया बोल्कानो आर्थक्वेक लैंड स्लाइड्स वो सब एंडोजेनिक फोर्सेस है एक्सट्रोजेनिक फोर्सेस में जो है एक्जोजेनिक फोर्सेस जो है हमारा क्या क्या एक्जोजेनिक में मिले हमें एक्जोजेनिक में दो फोर्सेस विच आर एक्टिंग आउटसाइड आवर क्रॉस्ट लाइक इरोजनल एजेंट्स इरोजनल एजेंट्स सब कौन सा कौन सा हम स्टडी किए लाइक रिवर ग्लेशियर विंड एंड सी वेव्स ये सब हमारा क्या हुआ इरोजनल एजेंट एजुअल हमारा वेदरिंग एजेंट भी होगा वेदरिंग जो करता है रॉक को वो भी एक्सोजेनिक फोर्सेस होगा वेदरिंग बिकॉज ऑफ केमिकल वेदरिंग फिजिकल वेदरिंग वो जब वेदरिंग पढ़ेंगे उसके बारे में ज़्यादा चर्चा करेंगे जो भी एक्सोजेनिक फोर्सेस दैट मीन्स फोर्सेस एक्टिंग आउटसाइड दी क्रस्ट अबोब दी क्रस्ट उसको एक्सोजेनिक बोलते हैं और एंडोजेनिक इसको बोलते हैं जो भी इनसाइड द आर्थ इन साइड द अर्थ जो फोर्स uh, एक्टिंग कर रहा है वट एवर फोर्स इज एक्टिंग इन साइड अर्थ उसको हम एंडोजेनिक बोले इन साइड द अर्थ फोर्सेज कौन सा कौन सा हुआ हमारा माउंटेन बिल्डिंग डायस्ट्रोपिक फोर्सेस डायस्ट्रोपिक जो माउंटेन बिल्डिंग डाइस्ट्रोपिक मीन्स ए स्लो स्लो एंड कैटास्ट्रोपिक कैटास्ट्रोपिक जो कि फास्ट लाइक वोल्केनो अर्थक्वेक लैंड ये सब एंडोजेनिक फोर्सेस हो गया होप यू आर गेटिंग ऑल थिंग आई एम रिवाइजिंग अगेन फॉर योर कन्वीनियंस वट इज इरोजन इरोजन इज द वेयरिंग अवे ऑफ द लैंड फॉर्म्स बाई इरोजनल एजेंट्स लाइक रिवर ग्लेशियर विंड सी वेब्स इरोजन जो आफ्टर वेदरिंग जो प्रोसेस स्टार्ट होता है उसको इरोजन कहते हैं हाउ आर द आर फॉर्म फ्लॉड प्लेन कैसे फॉर्म होता है बिकॉज़ डिपोजिशनल लैंड फॉर्म फ्लॉड प्लान इज ए डिपोजिशनल लैंड फॉर्म वाई द सेडिमेंट कैरियड बाई द रिवर इज बींग डिपोजिट्स अवर फ्लॉड प्लेन फ्लॉड प्लेन जब रिवर uh, से ज्यादा पानी फ्लोडिंग है रिवर that uh, um, overflow of the river deposits sediments over the neighbouring land surface and flood plain is created. What are sand dunes? That uh, move carries uh, sands along with its movement and when the uh, movement of wind slows down, it deposits uh, sand over a surface and creates a hill like structure, it is called sand dunes. It is also a depositional feature. हाउ आर द बीचेस फॉर्म्स बीचेस अल्सोज डिपोजिशनल लैंड फॉर्म इट इज द सेडिमेंट डिपोजिटेड बाई सी यू एक्स व्हाट आर दक्षुबो लेक्स अक्शुबो लेक्स आर कट ऑफ मियांडरिंग चैनल फ्रॉम द मैन कोर्स ऑफ द रिवर मियंडरिंग चैनल फ्रॉम दैन कोर्स ऑफ द रिवर फ्रॉम द मैन कोर्स ऑफ द रिवर कोर्स ऑफ द रिवर ठीक है ये ये एज एज कैसे? कैसे? हो हो के वो अप हो गया, अगर एग्जाम में पूछता है व्हाट टाइप ऑफ लैंड इट इज इट इज बोथ डिपोजिशनल एज वेल एज इरोजनल सो लेट्स मूव व्हिच इज नॉट एन इरोजनल फीचर ऑफ सी एफ ऑब्वियसली बीच बीच इज डिपोजिशनल लैंडफॉर्म डिपोजिशनल फीचर ऑफ ग्लेशियर इज मोरेन ठीक है मोरेन जो है सेडिमेंट्स कैरियड बाई ग्लेशियर्स डिपोजिटर ए लैंड सर्फेस उसको मोरेन कहते हैं होल्डिंग है? नहीं है इट इज वोल्कानो मशरूम रॉक्स आर फाउंड इन डेजर्ट वेरी इजी ऑक्सवर्ड लेर फाउंड इन रिवर वैलीजीज आर द ऑल इजी तो मैच दी फॉलोइंग ग्लेशियर ग्लेशियर कहाँ हैं ग्लेशियर किसके साथ मैच करेगा रिवर्स ऑफ आइस रिवर्स ऑफ आइस मियंडर्स वेयर इट मैच रिवर्स बीच सी शोर सैंड्यून्स सैंड डेजर्ट्स वाटरफॉल वाटरफॉल हार्ड बेड रॉक वाटरफॉल इज हार्ड बेड रॉक अर्थक्वेक व्हाट इट कॉजेस वाइब्रेशन ऑफ द अर्थ ओके सो लेट्स मूव गिव रिजन सम रॉक्स हैव ए शेप ऑफ ए मशरूम मशरूम क्यों बनता है बिकॉज दैट सैंड इन ट्रांसपोर्ट सैंड हुई कैन नॉट गो एब सो मच एबोब द ग्राउंड सो इट इलवेज कन्फाइंड इन टू द क्लोजर टू द सर्फेस ऑफ द आर्थ एंड इट इोड्स द रूट्स ऑफ द रॉक हज द टॉप ऑफ द रॉक रिमेन्स देम रूट ऑफ द रॉक बिकम्स नैरो वेयर एज अपर सरफेस दिस रॉक रिमेंस द ब्रॉडर फॉर्म बड़ा रहकर रहता है सो so, इसको हम मशरूम शेप लिखता है सो मशरूम रॉक होता है फ्लोर फ्रेम्स आर वेरी फर्टाइल बिकॉज ऑफ डिपोजिशनल फीचर ऑफ़ द सेडिमेंट्स जो भी सब सेडिमेंट्स uh, uh, आता है फ्रॉम अपर लेवल ऑफ द रिवर इट इज बीइंग डिपोजिटेड ओवर द फ्लड प्लेन दैट्स वे इट इज फर्टाइल सी कैप्स आर टर्न इनटू स्टैक्स सी कैप्स ग्रेजुअली इरोज हो हो के दट रूप फॉल्स डाउन सो इट बिकम्स स्टैक्स बिल्डिंग्स कॉलेब्स ड्यू टू आर्थ क्वेक बिकॉज ऑफ दैट दैसेमिक वेब्स दैट सर्फेस वेब वी डिस्कस्ड दैट कॉजेस क्वाल्ब्स ऑफ द बिल्डिंग्स ये देखिए फोटोग्राफ है ये वाटरफॉल है वाटरफॉल वाटरफॉल है एक कौन सा फीचर है ये पूछा है वाटरफॉल है ये वाटरफॉल इज ये इरोजनल 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 लैंडफॉल वाटरफॉल इट इज ये मियंडरिंग चैनल मियंडर है मियंडर तो इट इज बहुत डिपोजिशनल एज वेल एज इरोजनल एंड इरोजनल फीचर ये फ्लोर प्लेन है प्लेन एरिया है फ्लोर प्लेन एरिया ये डिपोजिशनल है ओके होप यू ऑल गॉट माई पॉइंट सो दिस आई विल एंड सेशन, आई रिवाइज्ड एवरीथिंग व्हाट वी डिस्कस टुडे, एंडोजेनिक, एक्सोजेनिक फोर्सेज होप यू आर ऑल क्लियर अबाउट एंड लिथोस्पियर फ्लेट किसको बोले हम क्या क्या चर्चा किए लिथोस्पियर क्रॉस्ड अपर मेंटल एंड लोअर मेंटल टुडे व्हाट वी डिस्कस्ड अपटेरियर ऑफ द आर्थ इंटेरियर ऑफ दी आर्थ में क्रस्ट अपर मेंटल लोअर मेंटल एंड आउटर कोर एंड इनर कोर आउटर कोर जो है लिक्विफाइड फॉर्म में अपर अपर एंड लोअर मेंटल भी हमारा लिक्विफाइड फॉर्म में है एंड क्रॉस्ड और अपर लेयर ऑफ द अपर मेंटल को लगा के लिथोस्फियर बनता है

एंड दीज आर लाइक इरोजनल एंड वेदरिंग एजेंट्स इरोजनल एजेंट्स लाइक रिवर ग्लेशियल ग्लेशियर विंड एंड सी यूएफ इसके बारे में उसका जो वेरियस लैंडफॉर्म्स आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दीज इरोजनल एजेंट्स वी डिस्कस्ड एंड हमारा जो रिवर का जो लैंडफॉम्स बनता है पहले वाटरफॉल बनता है वाटरफॉल दिस इज ए इरोजनल लैंडफॉम ऑक्सबोल एक्ट दिस इज बहुत इरोजनल एज वेल एज डिपोजिशनल फीचर एंड मेन्डरिंग चैनल मेन्डरिंग चैनल भी डिपोजिशनल एज वेल एज डिपोजिशनल एज वेल एज इरोजनल एंड देन वी डिस्कस्ड अबाउट फ्लोर प्लेन फ्लोर प्लेन इज ए डिपोजिशनल फीचर एंड लिवीज लिवीज मतलब लिवीज मतलब जो बैंक के ऊपर जो डिपोजिशनल फीचर होता है जो थोड़ा सा बैंक का हाइट बढ़ जाता है दैट इज कॉल्ड लिविज सो रिवर का ये है लैंडफॉल हम डिस्कस किए देन ग्लेशियर का हम डिस्कस किए ग्लेशियर इज द रिवर ऑफ फाइस व्हाट इट क्रिएट्स वेन इट पासेज थ्रो द रॉक इट क्रिएट्स डीप होलोज डीप होलोज इट क्रिएट्स इट ऑल्सो क्रिएट्स ब्यूटिफुल लेक्स एंड व्हाट इट डिपोजिट्स दी सर्डीम्स आर कॉल्ड मोरन ग्लेशियर का हो गया देन वी डिस्कसड अबाउट डू सी यू एप्स सी यू एफ्स का क्या क्या फीचर्स देखें फर्स्ट सी

दैट इज एन इरोजनल फ्यूचर देन वी डिस्क ड्यून्स सैंड ड्यून्स एंड लोएस लोएस्ट जो है फाइन शैंड डिपोजिटेड ओवर लार्ज एरिया एंड फाइन फाइन सैंड्स कैरियड बाई विन मूवमेंट फॉर ए लॉन्गर डिस्टेंस एंड इट इज डिपोजिटेड ओवर दी लार्ज मास लार्ज लैंड मास इट इज कॉल्ड लोएस्ट सो विथ दिस आई वी लैंड माई सेशन आ प्लीज सब्सक्राइब टू द अन अकाडमी वाई सब्सक्राइबिंग प्लीज यूज़ मई कोड एस पी जेना दिस इज माई कोड यू विल गेट टेन पर्सेट डिस्काउंट इफ यू लर्न समथिंग टूडे एंड यू लाइक द सेशन प्लीज़ यू नेवर फर्गेट टू लाइक इट एंड प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चनल एंड and let me introduce you to the Academy. you can download Academy learning app it is available in the, your play store and the app store and uh, what you will get in that uh, learning app you will get daily live classes it is running every day structured courses are running in that you can uh, avail that live test and quizzes also you can take in the participate that unlimited access is there there is no restriction in that and further, there are many top educators uh, like Munals are 80 plus top educators. As this is a largest uh, la learning platform, online learning platform, and various educators are providing their courses uh, of their expertise. So you will gain a lot from them. So uh, if you have not subscribed, you can subscribe to the Academy. एंड वाई सब्सक्राइबिंग सब्सक्राइबिंग प्लीज यूज माई कोड यू विल गेट टेन परसेंट डिस्काउंट दिस इज माई कोड एस पी जना नेवर फॉर गेट इट एंड दिस दिसज आर द फी स्ट्रक्चर फॉर ट्वेंटी फोर मंथ्स इट वुड बी अराउंड सिक्सटी फोर थाउजेंड एंड इफ यूल यूज माई कोड यू विल गेट फिफ्टी टेन परसेंट डिस्काउंट एंड इट वुड कॉस्ट यू अराउंड फिफ्टी सेवन थाउजेंड सिक्स हंड्रेड यू कैन ऑल्सो एवेल आइकोिक सब्सक्रिप्शन इन द इन दिस आइकोनिक सब्सक्रिप्शन बेनिफिट्स एयर दट यू विल गेट युअर पर्सनल कोच डेली मेन्स एंड एसर क्वेश्चन एंसर Practice. It will give you a personal feedback. Always, you can uh, be in touch with me directly, and I will guide you uh, from starting from your starting of the preparation in, in initial days. You need guidance and mentoring. So, while subscribing, please use my code SPJANA. And uh, for 12 months, it will cost you around fifty-seven thousand six hundred. And for 24 months, you will get around eighty-nine thousand one hundred so with this i will close my session see you again even monday tomorrow there would be no class uh, in this series so uh, a big thank you thank you so much for being with me today it is a, i took so much time so thank you all of you uh, for bearing with me um, thank you